वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरु नानक देव जी के जीवन काल की इस एपिसोडिक सीरीज के 13वें एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अपने एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी यात्रा करते हुए तलंबा शहर, जो कि मुल्तान में है, वहां पहुंच जाते हैं, जहां उन्होंने रास्ते में एक बहुत बड़ा घर देखा। किसी शेख ने वो घर उस रास्ते से जाने वाले राहगीरों के आराम करने के लिए बनाया हुआ था। उस जगह पर जो भी रहने के लिए आता उसको वहां रहने के लिए जगह के साथ भोजन भी मिलता था। कोई भी राही किसी भी धर्म का हो उसको वहां स्थान देने से मना नहीं किया जाता था। यहां तक कि उस शेख ने उस जगह पर एक तरफ हिंदुओं के पूजा करने के लिए मंदिर और दूसरी तरफ मुसलमानों के पूजा करने के लिए मस्जिद बना रखी थी। वो शेख साधुओं के कपड़े पहनकर हाथ में माला फेरता रहता था और पूरा दिन आए हुए मुसाफिरों की देखभाल करता था। उसके इस व्यवहार को देखकर हर इंसान उसको सज्जन के नाम से पुकारते थे। सज्जन के पास बहुत ज्यादा जमीन थी जिस पर वो मजदूरों से खेती करवाता था। खेती के अलावा सज्जन ने अपनी कमाई में से एक और व्यापार शुरू कर रखा था, जिसकी जानकारी केवल उसके साथ उस काम को करने वालों को ही थी, और कोई भी सज्जन के उस काम के बारे में जानता तक नहीं था। वो रात को आते जाते राहगीरों को लूटता था और उनको मारकर उनकी लाशों को कुएं में फेंक देता था। गुरु नानक देव जी को देखकर उसने सोचा कि गुरु नानक देव जी कोई बड़े शख्स लगते हैं। गुरु नानक देव जी जो सबके मन की जानते थे, उन्हें पता था कि सज्जन के मन में क्या है। इस सज्जन को हम गुरु नानक देव जी की साखियों में सज्जन ठग के नाम से जानते हैं। सज्जन ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी की खूब सेवा करी। शाम का खाना खाने के बाद सज्जन ने गुरु नानक देव जी को विनती करी कि संत जी आप अंदर चलकर आराम कर लें, रात काफी हो गई है और आप थक भी गए होंगे। तब गुरु नानक देव जी ने सज्जन को कहा, सज्जन हम एक शब्द कीर्तन उस परमेश्वर अकाल पुरख की उस्तत में पढ़कर फिर सोने जाएंगे। तब भाई मर्दाना जी ने रबाब बजानी आरंभ कर दी और गुरु नानक देव जी ने शब्द पढ़ना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे वो शब्द सज्जन के कानों में जाने लगे, उसको ऐसा लगा कि जैसे गुरु नानक देव जी सब जान गए हैं और उसको ही समझाने के लिए इस शब्द का गुणगान कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने समझाते हुए कहा कि कोई बाहर से भले ही साधु संतों के कपड़े पहन ले, किंतु जब तक वो अंदर से उस परमेश्वर की बनाई इस दुनिया में झूठ बोलना और धोखा करना नहीं छोड़ता, तब तक उसका किया हुआ दान किसी अर्थ नहीं। राहगीरों को लूटना और फिर उसमें से कुछ हिस्सा अच्छे काम पर लगाने से पाप कम नहीं हो जाते। जैसे ही गुरु नानक देव जी ने शब्द की समाप्ति की, तब तक सज्जन ठग को यह पता लग गया था कि उसके कर्म उसको कहां लेकर जा रहे हैं। वो शब्द की समाप्ति होते ही गुरु नानक देव जी के चरणों में गिर जाता है और अपने बुरे कर्मों के लिए माफी मांगता है। तब गुरु नानक देव जी के कहने पर सज्जन ने अपना सारा धन गरीबों में बांट दिया और धोखे की कमाई को छोड़कर मेहनत और हक की कमाई करने लगा। इस साखी से गुरु नानक देव जी ये समझाते हैं कि मेहनत और हक से की हुई कमाई ही आपको अंदर से सुख देगी और उसी कमाई में से की हुई सेवा उस परमेश्वर के पास जाएगी। किसी को धोखा देकर कमाया हुआ धन केवल पाप का भागी बनाता है, इसलिए परमेश्वर का सिमरण करते हुए केवल मेहनत और हक की कमाई करें। दुनिया में सच को प्रकाशित करते हुए गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। गुरु नानक देव जी ने इन उदासियों में आगे के सफर में क्या किया और क्या क्या उपदेश दिए, जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।